अस्सलाम व्यूअर्स, बटन बटर के किचन में खुश आमदेद। जी हाँ, आज किचन में तो नहीं है, आज हम कार्ड बना रहे हैं अपनी बेटी के, और वो भी अपने हाथ से, और बहुत अच्छे डिज़ाइन किए हैं। हम आपको बताएंगे कि कम आपने घर में ही कार्ड बनाने हो अपनी बच्ची की शादी के लिए, और क्या कोई इन्विटेशन देना हो 30-25 लोगों को, तो कार्ड कैसे डिज़ाइन करेंगे। ये मैंने कार्ड डिज़ाइन किया है खुद, क्योंकि मैं खुद आया था डिज़ाइनर हूँ। तो घर में मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, बहुत ही सादे तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। सबसे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंतज़ार करें नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट कमालात का। तो आपको दिखाते हैं कि हम कार्ड बना कैसे रहे हैं, और इसमें हमें कितना टाइम लगा और कितनी कॉस्टिंग आई, तो ये हम आपको शेयर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी बेटी के कार्ड को इंजॉय करें। जी, तो व्यूअर्स ये देखिए, ये मैंने कार्ड डिज़ाइन किया है। सारा बैकग्राउंड वगैरह मैंने एक जगह से उठा के उसके अंदर मैंने एडिटिंग की है। ये बैकग्राउंड उठाया, फिर उसके ऊपर इसका मैंने डिज़ाइन किया है सारा। पहले ये बैकग्राउंड डिज़ाइन किया है, ठीक है। ये जस्ट एक सादे पेपर में प्रिंट निकलवा के लाया हूँ। ये मैंने, क्योंकि मैं एज डिज़ाइनर हूँ, जो डिज़ाइनर होगा वो उसको समझ सकता है। बेटी की अलहमदिल्ला शादी है 11 मार्च को, और जुमे का दिन रखा है हमने। तो ये मैंने क्या किया, पहले इसको बैकग्राउंड डिज़ाइन किया है, ठीक है। ये सारा राइटअप फिर मैंने ले जाके कोरल ड्रॉ के अंदर, ये बैकग्राउंड इमेज जो है, ये सारी डिज़ाइन की फोटोशॉप के ऊपर ये अलग उठाया, इसको कलर दिए, इसकी बॉर्डरिंग मैंने गोल्डन कलर में करके इसको मैंने जाके रखा। इसकी एक इमेज बनाई। इमेज बनाने के बाद उसको मैंने जो है ना, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम एडिटिंग करते हैं प्रिंटिंग की, वहां पर सारा राइटअप लिखा, ठीक है। राइटअप लिखने के बाद फिर मैं इसका एक फॉर्मेट है, मैंने इसका बनाया था 5x8 का, ठीक है। ये 5x8 का साइज है, इसको मैंने ले आके क्या किया कि ये जो A4 पेपर होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, सारे प्रिंट ड्रा कर लाया हूँ। एक्चुअली डिजिटल मीडिया है, तो ज़्यादातर डिजिटल मीडिया के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, ये A4 का पेपर है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने दो प्रिंट रख के इनको प्रिंट कर लिया, ठीक है। मेरे पास एक कटर मौजूद है, ठीक है। इस कटर से ऐसे रख के मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे काट रहा हूँ, उसको सारा दिखाऊंगा कैसे कार्ड बनता है। तो ये एक सादे A4 पेपर के अंदर मैंने इस पर प्रिंट निकाला। ये प्रिंट मुझे एक पड़ा तकरीबन 35 रुपीज़ के, दो प्रिंट पड़े मुझे एक ही पेपर के अंदर, कलर्ड बिल्कुल, 4 कलर, ठीक है। अच्छा, ये कार्ड शीट है, ठीक है। हमने पहले कोशिश की थी कि कार्ड शीट के अंदर प्रिंट निकाल के लाएंगे, लेकिन वो ये कबाड़ा हो गया इसका। ये कार्ड शीट भी तकरीबन मुझे, अगर आप एक बोलेंगे तो मुझे तकरीबन 15 शीट लेकर आया हूँ, तो ये 30 रुपीज़ की एक शीट पड़ी है। तो हमें जो है, वैसे तो डिजिटल ही हम लोग प्रिंटिंग, डिजिटल ही हम लोग इन्विटेशन दे रहे हैं, लेकिन कुछ यूज़र्स को डिजिटल नहीं दे सकते, उनको कुछ 1 पर्सन बुलाने हैं, तो जाके उनको हमने यही गुजरात के अंदर हमने देने थे। तो इसलिए हमने फिर क्या किया कि मैंने इस साइज़ के अंदर, ये देखें, ये कार्ड मैंने कटिंग कर लिए, ये देखें, ठीक है, ये कार्ड कट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैंने पेस्टिंग कैसे करनी है। तो ये प्रिंटिंग वगैरह करा के मैंने तकरीबन 30 करीब कार्ड्स डिज़ाइन किए हैं। अब हम आपको इसका दिखाते हैं कि हमें क्या क्या प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमने ये फॉर्मेट प्रिंटिंग करवा ली, ठीक है। ये कार्ड में लेकर आ गया था मार्केट से, आप कोई भी कार्ड लिया अपने कलर के, ये डिज़ाइन मैंने कर लिया था, स्कीम बनाई हुई थी। अब मैं करके आ रहा हूँ कि मैं इसको कैसे पेस्ट करूँगा, बताऊँगा। पहले मैं आपको कटिंग बता देता हूँ। ये पेपर है, इसकी हमने ये लाइन लगाई हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने इस कटर पर रखना है। अगर किसी के पास ये कटर नहीं है तो वो वाला कटर ले ले जिसके अंदर ब्लेड होता है, और स्केल के साथ स्केल का इस्तेमाल करें, और ऐसे रख के कटर को ऐसे काट लें, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कटर है, तो हम इसको मार्क करेंगे, ठीक है जी। ये देखें इसकी मार्किंग की, मार्किंग करने के बाद, और ये हमने इसको मार्क कर लिया, दिख रहा है, इसको हमने मार्क करके ऐसे कट किया, तो देखें 2 पीस में हो गया ये। अब ये बॉर्डर वॉर्डर सारे मैं इसी में काट देता हूँ, ये देख रहे हैं आप कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इस शक्ल में आ जाएगा, देखिए कितना सादा सा है। अच्छा, अब करना क्या, अब हम इसकी पेस्टिंग करनी है। हमने ये कार्ड बनाया हुआ है, हम ये कार्ड बना बना के रखे जा रहे हैं, ठीक है जी। ये सारे कार्ड रखे हुए हैं, गम हमने ये लगाई है, जिसके अंदर हमने याली गम लगाई है। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उस पर थोड़ी सी नमी आ गई है, तो देखिए इसकी पेस्टिंग के अंदर आपको लग रहा होगा थोड़ी सी वो उठ रहा है। लेकिन ये देखें, जिसके साथ हमने ये UHU का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई कार्ड प्रिंट होकर आया है कहीं से, ठीक है। ये देखें इसके बॉर्डर वॉर्डर सारे मैंने इसी में काटे हुए हैं। अब आपको पेस्टिंग करने का तरीका बताते हैं कि कैसे हम पेस्टिंग करेंगे, और कैसे आप अपनी बेटी का कार्ड अपने हाथ से बनाएंगे तो कितनी आपको खुशी होगी, ठीक है। तो वो एक अलग ही मज़ा है कि आप अपनी बेटी का कार्ड अपने हाथ से बना रहे हैं, क्योंकि तो पैसों का ज़्यादा तो ज़्यादा करना नहीं हमें। तो ये देखें, अब हम इसको ले लेंगे इसी कार्ड के ऊपर रख के, इस ग्लू से हम इसकी कॉर्नर, जितने कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर
बटन बटर जो है वो बहुत कुछ सिखाता है, इंटरटेनमेंट भी करवाता है, खाने भी बना के दिखाता है। आज आपको कार्ड बनाने का तरीका दिखा रहे हैं। ओहो क्या बात है जी, ये देखिए। पहले सोचा ये था कि हम इसको एज अ पेपर पे प्रिंट करा के, कटिंग करा के और एनवेलप में डाल के इसको हम दे देंगे और बड़ी हो जाएंगे। मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा अपना भी टैलेंट इस्तेमाल करें। अब ये देखें मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से बराबर करके, ऐसे कॉर्नर को बराबर करके ऐसे पेस्ट किया, पेपर लिया कपड़ा और इसको ऐसे प्रेसिंग कर दिया। ऐसे लगेगा जैसे प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कार्ड जो है वो प्रेस हो रहे हैं। अच्छा अब आप देखेंगे इसके हमने कोने बराबर करने जितने हम कर सकते हैं, हमें कोई कंपटीशन में तो जाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि ये देखें ज़्यादा है, ये यहाँ से कम रखा है हमने, ठीक है। इसको यहाँ रख के इस कार्ड को कटिंग कर लेंगे। अब देखें ये तकरीबन बराबर हो गया, 19 का फर्क है। तो ये कार्ड आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको कार्ड पसंद आया होगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग घर में कार्ड बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से, अगर एज अ डिज़ाइनर हैं। अगर डिज़ाइनर नहीं है तो फिर बल्ले बल्ले, फिर तो हाथ से लिखें और फिर डाल दें। अच्छा फिर लास्ट काम करना है जो हमने एडवांस में किया हुआ है, तो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया हुआ। हम ये लेकर आए हैं एनवेलप, ठीक है जी। असल में कार्ड हमारे पास जो है ना वो कम हमने करवाने हैं, मतलब वो 100 से अबव प्रिंटिंग होती है, तो वो इतना है तो हमने ज़ाया नहीं करना कार्डों का। ये देखें ये एनवेलप में आपने कार्ड डाला, मैं कहता हूँ जी भले भले ऐसा कार्ड है, प्रिंटिंग प्रेस वाला कार्ड, इस पर लिखिए एक फर्द की इजाज़त है, ठीक है जी। ये आपका एक कार्ड डिज़ाइन हो चुका है और उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये टैलेंटेड मिनी वीलॉग पसंद आया होगा। बेटी की शादी है, दुआ कीजिएगा। 11 मार्च फ्राइडे 2022 को इसको हमने कटिंग से रखा है, वो कटिंग हो जाएगी बाद में इसकी। और उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये एक मिनी सा व्लॉग पसंद आया होगा और मुझे दुआओं में रखें, मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा। और नेक्स्ट आप ये करें कि इसको लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे मज़ीद वीडियोस का इंतज़ार करें। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।